अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा जो DVR है, CCTV के हवाले से हम बात करेंगे। आज हमारा जो DVR है वो हम कैसे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर उसको ऑनलाइन करके देख सकते हैं, अपने जो कैमरे आपने लगाए हुए हैं उसको। सबसे पहले जी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे गूगल पे जाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे स्मार्ट PSS, स्मार्ट PSS डाउनलोड फॉर PC, ठीक है। सबसे ज़रूरी बात जो ये है कि ये जो एप्लीकेशन है ये 32-bit पे वर्क नहीं करती, इसके लिए आपको अपनी विंडो 64-bit पे कन्वर्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही ये एप्लीकेशन जो है ये आगे रन करेगी। ये दावा security.com, ये दावा की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये जो एप्लीकेशन है ये बेसिकली दावा की DVR को ऑनलाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर हम दावा का DVR ऑनलाइन करने जा रहे हैं और ये सिर्फ दावा के लिए ही रिक्वायर्ड है, हाइकविजन के लिए नहीं और ना ही अदर किसी और कंपनीज़ की। जी दोस्तों, दावा की ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है। हमने यहाँ पर किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, हमें जस्ट यहाँ पर ये दावा विकी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम दावा विकी पे क्लिक करेंगे तो इसका जो एक सेटअप होगा वो हमें प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहा है कि आपको विंडो में करना है या एप्पल में करना है, ठीक है। हमारे पास विंडो है तो इसलिए हम विंडो के लिए इंस्टॉल करेंगे इसको। यहाँ पर विंडो किया, ये ऑलरेडी क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए वो कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी हुआ हुआ है, अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये डुप्लीकेट की ऑप्शन है, यहाँ पर मैं डुप्लीकेट करके दोबारा से उसको डाउनलोड कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है तो फिर भी मैं आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें 121.46 MB का ये सेटअप है, इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कैंसिल किया, अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर। दोस्तों ये हमारे पास है दावा स्मार्ट PSS, अगर हम इसको करेंगे ओपन करके भी, अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं ओपन करके भी हो जाएगा। ये देखें, ये सिंपल सा तरीका है इसका। और अगर आप इसको करते हैं एक्सट्रैक्ट हेयर, ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास ये इस तरह का सेटअप निकल कर बाहर आ जाएगा। जी दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे इसको इंस्टॉल और आगे के स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका तरीकेकार बताऊँगा कि कैसे आपने इसके अंदर जाके डिवाइस को ऐड करना है और किस तरह आपने इसमें अपना सीरियल डिवाइस का सीरियल नंबर डाल के अपनी डिवाइस को ऑनलाइन देखना है। इसको करते हैं हम इंस्टॉल, डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे इसके ऊपर। इंस्टॉल करने में थोड़ा सा टाइम लेगा ये। नेक्स्ट, इंस्टॉल, फाइनली इंस्टॉलिंग शुरू हो चुकी है। जी दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है स्मार्ट PSS इंस्टॉलर। यहाँ पर हम करेंगे इसको फिनिश और यहाँ पर हम करेंगे इसको ऑन। ये हो गया है ऑन, PC NVR, इसके ऊपर आप NVR भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपने ऑटो लॉगिन करना है, ठीक है। जब भी आपकी एप्लीकेशन ये ऑन होगी तो ये ऑटो लॉगिन होकर आपका जो सेटअप है वो लाइव प्रीव्यू पे चला जाया करेगा। तो आपने हमेशा इसको ऑटो लॉगिन रखना है। पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से आप दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी डिवाइस का है, डिवाइस का यहाँ पर ज़रूरी नहीं होगा, डिवाइस का इसके अंदर जाके ज़रूरी होगा। यहाँ पर हम अपनी मर्ज़ी से लिख देते हैं, मैं अपना कुछ भी लिख दें आप अपनी मर्ज़ी से। कोशिश करें कि इसमें एक कैपिटल हो और बाकी स्मॉल हो और साथ में स्पेशल कैरेक्टर डाल लें या जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो डाल लें।
नेक्स्ट, इसको आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, फिनिश करना तो पड़ेगा। चलें आप यहाँ पर निकनेम डाल लेता हूँ मैं, सेकंड में बॉस एम के, फाइनली फ्रूट आपका आ जाएगा एप्पल, फिनिश। ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, देखें ऑटो लॉगिन हो गया है यहाँ पर, और अब यहाँ पर ये आपको कुछ चीज़ें बता रहा है कि ये इस मकसद के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनली ये ऐड की ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने ऐड करना है जो भी आपकी अपनी डिवाइस है। यहाँ पर अपनी डिवाइस का नेम लिख लें, अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं ऑफिस का नाम लिख लें, घर में बैठे हैं घर का नाम लिख लें, शॉप का नाम शॉप में बैठे हैं तो शॉप का नाम लिख लें। तो यहाँ पर मैं एज ऐड करूँगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर हम पी टू पी करेंगे, ठीक है। पी टू पी करने के बाद यहाँ पर हम अपना सीरियल नंबर देंगे जो हमारे बॉक्स पे लिखा हुआ आता है, या आपके जो सेटिंग में जाके नेटवर्क एक्सेस और प्लेटफॉर्म में जाके आपको ये सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, या आपकी DVR की सिस्टम की सेटिंग में जनरल सेटिंग में आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना ये लगा देता हूँ, और यहाँ पर हम लिखेंगे अपना जो डिवाइस का नाम लिखा हुआ है ना, आपने जहाँ अपने डिवाइस में जो सेटअप किया हुआ है, अगर एडमिन दिया हुआ है एडमिन लिखें, अगर आपने अपना शॉप का नाम लिखा हो तो शॉप का नाम लिखें, ठीक है। मैंने एडमिन दिया हुआ है इसलिए मैं एडमिन लिखूँगा, और यहाँ पर आपने अपनी डिवाइस का पासवर्ड लगाना है, अपनी मर्ज़ी से कोई नहीं लगाना है यहाँ पर, ये सबसे मेन चीज़ है। यहाँ पर आपने जो अपनी डिवाइस को पासवर्ड लगाया हुआ है, यानी कि जैसे टेट्रा 6 हो गया, या इस तरह से आपने जो भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर लगा अपनी DVR को जो लगाया हुआ पासवर्ड, वो यहाँ पर आपने मस्ट लगाना है। अगर नहीं लगाएंगे तो आपका जो डिवाइस है वो ऐड नहीं होगी, और ना ही वो लॉगिन होगी, और ना ही आप उसके ऊपर लाइव प्रीव्यू देख सकेंगे। यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू, फाइनली ये हमारी डिवाइस हो चुकी है। अब हम इसको देखेंगे, ओके ठीक है। अभी ये कह रहा है कि आपकी जो डिवाइस है वो हमारे पास ऑफलाइन हो गई है, ठीक है, तो ऑफलाइन है ये, यहाँ पर हमारी अभी डिवाइस ऑफलाइन है। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने अपने मॉडम के साथ इसको कनेक्ट किया था, तो इसके साथ इसने थोड़ी देर के बाद इसको ऑनलाइन कर दिया। ये देखिए ये ग्रीन सिग्नल आ चुका है यहाँ पर, तो अब हम इसको ऑनलाइन देखेंगे, हम जाएंगे न्यू पे लाइव पे, और ये देखें ये इस जगह पर आप जितनी भी डिवाइस ऐड करते जाएंगे वो इसके नीचे आती जाएंगी, ठीक है। ये मेरे पास है मेरी अपनी शॉप का, देखिए 1 2 3 4, मेरे पास 4 कैमरे लगे हुए हैं, देखें ये मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरे पास कैमरा लगा हुआ है, LED लाइट वाला कैमरा लगा हुआ है मेरे पास, ठीक है। तो ये दोस्तों इसका सेटअप था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी भी लगी होगी।
वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।